एक बेहद पसंदीदा मेवा जो कई इंडियन ग्रेवियों में पाया जाता है वह कुछ और नहीं बल्कि काजू है। इसकी एक खास बात है कि यह साल भर उपलब्ध होता है। अगर आप इसको सही से स्टोर करते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। कई लोगों को शायद इस बात का पता न हो कि काजू पेड़ पर उगते हैं। पेड़ की शाखाओं से नीचे लटकते हुए बड़े रसीले सेब जैसे दिखते हैं। इन ब्रांचेस के नीचे काजू लगे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काजू के पेड़ से निकले ये मेवे बाजार में कैसे आते हैं? सबसे पहले काजू को 2 से 3 दिनों के लिए एक खुले यार्ड में धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद नट्स को नियमित रूप से रोल किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वो सभी समान रूप से सूख गए हैं। यह प्रोसेस नट्स से अतिरिक्त नमी को हटा देती है। इसके बाद काजू को गर्म किया जाता है और इसके बाद इस फल की बाहरी शेल को तोड़कर अंदर से काजू निकाला जाता है। इसके बाद इनका क्वालिटी चेक होता है। महिलाएं काजू की गिरी को अलग करने के लिए बैठ जाती हैं और अपने हाथों से मेवे खोलती हैं। छीलने की प्रक्रिया काजू की गुठली पर चिपकी टेस्टा बाहरी त्वचा को हटाने के लिए होती है। इसके बाद उन्हें कंप्रेस्ड एयर से ही ब्रश किया जाता है। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जिसमें महिलाएं काजू की गुठली से अशुद्धियों को अलग करने के लिए बैठती हैं। इसके बाद काजू की गुठली को ओवन में 70 डिग्री सेल्सियस और वोइला में भुना जाता है। बस आपके काजू बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं। कैश्यू नट्स या काजू तकनीकी तौर पर मेवे नहीं बल्कि बीज हैं। काजू का वैज्ञानिक नाम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल एल है और यह एनाकार्डियेसी परिवार से संबंधित है। यह कई भारतीय व्यंजनों और डेयरी विकल्पों जैसे क्रीम और कैश्यू मिल्क में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री है। इनमें मेवों का भरपूर स्वाद होता है। काजू ब्राजील मूल के सदाबहार पेड़ों पर उगते हैं जो बाद में दक्षिण अमेरिकी देशों में भी पहुंच गए। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में भारत और अफ्रीका में काजू की शुरुआत की। कैश्यू एप्पल एक नरम और रसदार फल के निचले हिस्से में एक सख्त सलेटी खोल में एक बीज वाला मेवा उगता है। काजू की 33 किस्मों की पहचान की गई है जिनमें से केवल 26 किस्मों को ही बेचा जाता है। W180 किस्म को काजू के राजा के रूप में जाना जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अनुसार काजू में टोकोफेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, फेनोलिक लिपिड और कई बायोएक्टिव कंपाउंड भरपूर मात्रा में होते हैं जिनमें से सभी हमारे स्वास्थ्य को कई लाभ पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक साहित्य में पाया गया है कि काजू में कई गुण होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं, इनमें सूजन कम करने वाली खूबियां हो सकती हैं, ये दर्द कम कर सकते हैं, इनमें एंटी डायबिटिक गुण भी हो सकते हैं, इसमें एंटी कैंसर एक्शन हो सकते हैं, वे दिल को सुरक्षा देने वाले कार्डियो प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, वे एंटी माइक्रोबियल भी हो सकते हैं। आशा करते हैं काजू के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।